नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल सॉल्यूशन प्रिंटर एंड डिजाइनर में। दोस्तों, जैसा भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चार ट्रिक मैं आपको बताने वाले हूं, इमेज ट्रेस, कर्व फाइल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू पैराग्राफ और इमेज या टिफ फाइल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं इमेज ट्रेस से। इमेज ट्रेस का मतलब ये हुआ दोस्तों, कोई भी आपके पास लोगो है या कोई भी आपके पास क्लिप आर्ट इमेज है, मैं सिंपली नेट पे जाता हूँ, डॉग क्लिप आर्ट में आप कोई भी इमेज इसमें से उठा सकते हैं। मैं एक अच्छी सी इमेज देख करके आपको उठा करके बताता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट की, इसको मैंने कॉपी किया इंटरनेट से और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। दोस्तों यदि आप यही सेम फाइल प्रिंट करेंगे या पार्ट, अगर कोई आपको बोले कि इसमें कलर करना है तो आप इसमें नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले इसको हम जाते हैं ट्रेस बिटमैप में, आउटलाइन ट्रेस और लोगो पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आप इनकी दोनों की क्वालिटी मैच कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी। तो ये जेपीजी फाइल जो है उसको हम डिलीट कर देते हैं और ये ओरिजिनल फाइल है, इसमें आप अपनी मर्जी से कलर भी कर सकते हैं। सबसे पहली ट्रिक हमारी समाप्त हुई। दूसरी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं टेक्स्ट कर्व फाइल। कर्व फाइल क्या होता है दोस्तों, कई बार आपने कोई डिज़ाइन किया है और किसी ने बोला है कि मुझे मेल कर दे या कहीं आपको भेजना होता है, कई बार फॉन्ट मैच नहीं हो पाते, तो वो सारी प्रॉब्लम को सोल्व करती है कर्व फाइल। कर्व फाइल का मतलब ये हुआ कि आपकी फाइल के अंदर कोई भी टेक्स्ट चेंज नहीं होगा, चाहे तो किसी दूसरे के पास वो टेक्स्ट हो या नहीं हो, आपकी फाइल बिल्कुल एक्यूरेट जाएगी। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने राकेश दक्ष ये जो नाम लिखा है इसकी मैं दो चार कॉपी कर लेता हूँ। आप समझिए कि आपका ये डिज़ाइन है या आपका कोई पैराग्राफ है, आपको किसी के पास भेजना है एक्स वाई जेड। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको कई तरीके से हम इसको कर्व कर सकते हैं। सिंपली सबसे पहले इसको क्लिक करें, कंट्रोल क्यू प्रेस कर दें। कंट्रोल क्यू प्रेस करने से ये फाइल कर्व हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है, आप एडिट में जाएं, एडिट में सेलेक्ट ऑल पे जाके टेक्स्ट पर क्लिक करें, जितने भी टेक्स्ट आपकी फाइल में या डिज़ाइन के अंदर होंगे सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप इसे कंट्रोल क्यू कर दें। दोस्तों कंट्रोल क्यू का ऑप्शन इसके अंदर भी है, या कंट्रोल क्यू प्रेस कर दें। मैं लिखे भी दिखा रहा हूँ आपको, ऑल टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद कंट्रोल क्यू प्रेस कर दें। ओके दोस्तों, ये हमारी कर्व फाइल का वो हुआ। अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कन्वर्ट टेक्स्ट टू पैराग्राफ, इसी को मैं बैक कर लेता हूँ। इसको बैक करने के बाद मैं इसकी चार पांच और कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए कि वो कैसे होता है। कई बार होता है आपने ऐसे ही टाइप कर लिया, पैराग्राफ नहीं बनाया और आपको वहीं के वहीं उसको कन्वर्ट पैराग्राफ करना है, तो सिंपली फंडा है दोस्तों, कंट्रोल के साथ F8 प्रेस कर दें, सिंपली आपका पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको पैराग्राफ की तरह ट्रीट कर सकते हैं। फोर्थ हमारा है इमेज या टिफ फाइल कैसे बनाते हैं। इमेज या टिप फाइल आप देख पा रहे हैं, मैंने जो स्क्रीन पर बना हुआ है इसकी मैं आपको इमेज या टिप बना करके दिखाने वाला हूं। आप सिंपली क्या करें, कंट्रोल ए प्रेस करें, कंट्रोल ई प्रेस करें। कंट्रोल ई प्रेस करने के बाद नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहां पे कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट करें, ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ इसलिए मेरे को यस करना है। जेपीजी फाइल बनानी है जेपीजी कर लें, पीएनजी बनानी है पीएनजी सर्च कर लें, टिफ फाइल बनानी है टिफ सर्च कर लें। ये मैं आपको टी प्रेस करके टिफ फाइल बना सकते हैं, पीएनजी फाइल बना सकते हैं, जेपीजी फाइल बना सकते हैं आप इसके अंदर। उसके बाद आप एक्सपोर्ट करें, यस कर लें। उसके बाद कस्टम पे जाकर आपको RGB फाइल चाहिए मोबाइल में डालने के लिए, तो इमेज हाई क्वालिटी जेपीजी करके आप इसको ओके कर लें। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना ताकि हमारा मोटिवेशन ऐसे बढ़े।